स्वागत है आपका साउथ जीरो ऑयल कुकिंग में। आज हम लाए हैं आपके लिए वेट लॉस मेन्यू प्लान की सीरीज डे 12 की रेसिपी। तो चलिए हम डे 12 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम मूंगलेट बनाएंगे और इसे धनिया चटनी के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार लेंगे, उसमें एक बाउल सोख तुली मूंग दाल डाल देंगे, एक कप पानी ऐड करेंगे और इन्हें पीस लेंगे। फिर इसे एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून रेड बेल पेपर, 2 टीस्पून बीन्स, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मूंगलेट का बैटर बनकर तैयार है। अब हम एक पैन को गरम करेंगे और उसमें कुछ इस तरीके से इस बैटर को फैलाकर डाल देंगे। इसे थोड़ा सा बीटरूट से गार्निश कर देते हैं। इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मूंगलेट बनकर तैयार है। इसे हम धनिया चटनी के साथ सर्व करेंगे। मिड मॉर्निंग में हम गुड़ मखाना सर्व करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें एक बाउल मखाना डालकर इन्हें रोस्ट कर लेंगे। अब फिर से एक पैन को गरम करेंगे और उसमें 1/2 बाउल गुड़ डाल देंगे। इसे हम स्पैचुला की हेल्प से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और चिपके ना। फिर इसमें हम रोस्ट किए हुए मखाना को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ मखाना बनकर तैयार है, जिसे हम स्नैक्स के तौर पर सर्व करेंगे। लंच में हम सर्व करने वाले हैं बीटरूट स्टफ चपाती कैप्सिकम रायता के साथ। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में एक बाउल ग्रेटेड बीटरूट डालेंगे, उसमें 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और धनिया पत्ते ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको कुछ इस तरीके से स्टफ करके दोनों साइड से सेक लेंगे। हमारी बीटरूट चपाती बनकर तैयार है। अब हम कैप्सिकम रायता बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में एक बाउल दही डालेंगे, फिर एक स्मॉल बाउल कैप्सिकम, 1/2 बाउल ग्रेटेड क्यूकुम्बर, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अनियन, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे और धनिया पत्ते ऐड करेंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये रायता बनकर तैयार है। दोस्तों, अब हम बीटरूट स्टफ चपाती को कैप्सिकम रायता के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी ले सकते हैं। मिड इवनिंग में हम नींबू पानी सर्व करेंगे। उसके लिए एक ग्लास में 1 पिंच सॉल्ट, 2 टीस्पून लेमन जूस डाल के पानी ऐड करेंगे। हमारा लेमन वाटर बनकर तैयार है। डिनर में हम कैबेज ज्वार सूप बनाएंगे। कैबेज सूप बनाने के लिए हम एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1 टीस्पून हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून लहसुन, 1 बाउल कैबेज, 1/2 बाउल कैरेट डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। फिर एक बाउल में 1 टीस्पून अराउंड ज्वार आटा में हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम सूप में ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, कैबेज ज्वार सूप बनकर तैयार है।
इसे गरम गरम एक बाउल में डालकर सर्व करेंगे। दोस्तों डे 12 वेट लॉस सीरीज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और डे 13 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउल जीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें। धन्यवाद।